आप सभी को मेरा राम राम जी। बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की लहसुन और प्याज के फ्लेवर में स्वादिष्ट मिर्च। हरवा बेसन की मिर्च एक साइड डिश है जिसमें मिर्ची को बेसन के मसाले के साथ भरा जाता है। इसे सब्जी, दाल, रायता और फुलके के साथ दिन के खाने के लिए परोसा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले गणेश जी को नमन। ये हमने 300 ग्राम के करीब मोटी वाली हरी मिर्च ले ली। आप देख पा रहे हैं मिर्चों को धोकर सुखा लिया है। इस तरह से सारे डंठल तोड़ देंगे। अब हम लगाएंगे चीरा। मिर्च को लंबाई में एक साइड से लंबाई में इस तरह से काट लीजिए, दूसरी ओर जुड़ी रहे। इसी तरह से सारी मिर्ची काट लेंगे। मिर्ची हमारी कटकर तैयार है। आधा कप हमने बेसन का ले लिया है। कढ़ाई में बिना ऑयल के हम इसे रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। बेसन हमारा रोस्ट हो गया है, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बेसन को रोस्ट करने में करीब 5 मिनट लग गए। बेसन में डालने के लिए हमें सामग्री की ज़रूरत है, तो आइए देखें। 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1¼ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अमचूर, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 प्याज जिसको हमने बारी बारी कट कर लिया, 1 लहसुन की गिरी, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन तड़के के लिए। अगला प्रोसेस है, हम एक पैन में करेंगे तेल गरम। तेल हमारा होगा करीब करीब 50 ग्राम। तेल को हम लो गैस पर पकने देंगे। एक पैन में हमने शुद्ध घी गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे अब जीरा और अजवाइन। अब जाएगा बारीक कटा प्याज। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर रख लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब इसको करेंगे हम सोते। नमक को हम प्याज में ही डाल देंगे। इससे क्या है कि नमक वाला प्याज बेसन के मसाले में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम जितनी भी सामग्री है उसे बेसन में मिक्स करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, अदरक पाउडर और गरम मसाला, इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। भुना हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का मिश्रण, इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमने कुछ अच्छा खाना हो तो हमें मेहनत तो करनी पड़ती है भैया। ये बेसन का मसाला बहुत ही लाजवाब बन चुका है। इसे हम जो मोटी मिर्च है उसमें भर देंगे। ये देखो मसाला भरने का तरीका। ये देखो जो हम दबा दबा कर हाथ से भर रहे हैं, बस इतना ही मसाला भरेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह सारी मिर्चों में मसाला भर देंगे। सारी मिर्चें हमारी भरकर तैयार हो गई हैं। थोड़ा मसाला बच गया है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तेल को हमने पहले फुल गरम किया ताकि तेल हमारा पक जाए। अब तेल को हमने ठंडा किया। ज़्यादा गरम तेल हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी मिर्चें जल जाएंगी। ऐसे भी हम तेल को चेक करेंगे, हीट ज़्यादा तो नहीं है। हमने जीरा सिर्फ तेल की हीट चेक करने के लिए ही डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। अब हम सारी मिर्चें डाल देंगे। सारी मिर्चों को इसी तरह पलटते जाएंगे। बीच वाली मिर्च को साइड में, साइड वाली मिर्च को बीच में। सावधानी से मिर्ची पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी मिर्ची हमारी सिक कर तैयार हो जाएंगी। 1-2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, लो फ्लेम पर
मिर्चों को। आओ भगवान को याद करते हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। इसी तरह खाना बनाते वक्त हम प्रभु को याद करें तो थकावट भी नहीं होती और हमारी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम। जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे तुझसे क्या मांगूं। आपको मेरा गाया हुआ भजन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये जो मसाला बचा था उसे भी हम डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। ये हमने उसी कढ़ाई में गर्म पानी किया है जिसमें हमने मसाला भुनना था। गर्म पानी से हमें फ़ायदा हो जाएगा कि जो बेसन हमने बाद में डाला है वो सॉफ्टनेस आ जाएगी, बेसन में जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम एक दो मिनट और पकाएंगे। सर्व करने के लिए बेसन वाली मोटी मिर्च तैयार है। जब भी आपका तीखा खाने का मन हो तो आप ये मिर्ची बनाएं। बेसन की भरवा मिर्च फ्रिज में रखकर एक हफ्ते तक खा सकती हैं। ये तीखी मसालेदार मिर्च बनाइए और सभी को खिलाइए। स्माइल पाइए। आप सभी को मेरा राम राम जी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।